तो दोस्तों लगभग 500 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली इंडियन सिनेमा की सबसे मच अवेटेड फिल्म आरआरआर, जिसके लीड में आपको इंडियन सिनेमा के यंग टाइगर जूनियर एनटीआर और मेगा पावर स्टार रामचरण नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन करने वाले हैं बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके एसएस राजामौली सर, और ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली सबसे मच अवेटेड फिल्म है, जो कि बाहुबली के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ने का दम रखती है। इस फिल्म से जुड़ी दोस्तों कुछ मेजर अपडेट्स निकल कर आई है, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और बात करने वाले हैं दोस्तों कि इस फिल्म का अभी तक कितना शूटिंग शेड्यूल बाकी रह चुका है, इस फिल्म का ट्रेलर कब देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आपको कब देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी आरआरआर फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों एसएस राजामौली सर और इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने आरआरआर फिल्म का बजट एक बार फिर से बढ़ा दिया है और अब ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से भी ज्यादा के बजट में बनाई जाने वाली एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। इस फिल्म के लीड में आपको रामचरण जूनियर एनटीआर और बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन के अलावा ब्यूटीफुल आलिया भट्ट और कई सारे बेहतरीन एक्टर्स और भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की दोस्तों ज्यादातर शूटिंग तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस फिल्म की 45 दिनों का शूट बाकी है, जिसमें दोस्तों इस फिल्म के कुछ मेजर एक्शन सीन्स और गानों की शूटिंग होना बाकी है। बताते चले दोस्तों आपको कि यह फिल्म विजुअली तौर पर आपको काफी बेहतरीन नजर आने वाली है, इसी वजह से दोस्तों 45 दिन के बाद इस फिल्म के विजुअल्स पर और इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम होने वाला है। यानी कि दोस्तों आपको ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 13 अक्टूबर को इस साल देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि दोस्तों इस फिल्म की जो रिलीज डेट है उसे एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया जाएगा। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म का इंतजार ऑडियंस काफी बेसब्री से कर रही है, यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो आपको 13 अक्टूबर को दिखा सकते हैं और साथ ही में इस फिल्म का एक मोशन पोस्टर वाला टीजर आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि आरआरआर फिल्म अगर इस साल रिलीज नहीं होती है तो कब रिलीज होगी और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो कितना रहेगा। इस फिल्म का शेड्यूल दोस्तों जुलाई के फर्स्ट वीक से शुरू होगा और 45 दिन यानी कि लगभग अगस्त के लास्ट में इस फिल्म के शेड्यूल को खत्म किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर इस फिल्म के पास कई सारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम है, विजुअली ये फिल्म काफी बड़ी है, यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म शायद ही 2021 में अक्टूबर के मंथ में रिलीज हो। आपको क्या लगता है दोस्तों आरआरआर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या बाहुबली की तरह ही नए नए रिकॉर्ड बना पाएगी या नहीं, और इस फिल्म का लाइफ टाइम कितना होगा, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।